नमस्ते रे तुला, ये हमारे गाने का टाइटल है और इस गाने से हमने जो शुरुआत की है कि जैसा कि हमारा मोटो रहा है पिकल म्यूजिक का कि नए कलाकार, नए कंपोजर और नए वीडियो डायरेक्टर को आगे लाया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि क्या होता है कि म्यूज़िक कंपनीज जो भी हैं वो ज़्यादातर जो एस्टेब्लिश लोग हैं उनको प्रमोट करते हैं या उनके लिए प्लेटफॉर्म रहता है। पिकल म्यूज़िक का शुरुआत से ही ये कोशिश रही है कि पिकल म्यूज़िक नए कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करती है, नए संगीत को, नए लिरिसिस्ट को। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा टैलेंट है मार्केट में और इतनी ज़्यादा कंपोज़र और लिरिसिस्ट हैं कि आप अगर करना चाहें तो बहुत कम है। और मुझे लगता है कि बहुत से टैलेंट प्रॉपर प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। और इस समय सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पैकेजिंग है, मार्केटिंग है म्यूज़िक का, और उस दिशा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। माने म्यूज़िक बन तो जाता है लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचता, तो हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है म्यूज़िक का उस पर ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद हमने उसका सोशल मीडिया है या डिजिटल प्रमोशंस है उसकी ओर हम खास तौर से ध्यान देते हैं, क्योंकि हम हर गाने को हम एक बड़ा गाना समझते हैं, फिर वो चाहे हरिहरन जी का हो या श्रुति जैसे नए सिंगर का हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके पास अगर कोई अच्छा कलाकार है, कोई अच्छा टैलेंट है और उसको आपको लगता है कि ये नहीं, अगर ये आएगा आगे तो इसका कैरियर बन सकता है, तो ऐसे लोगों को आप हमारे तक उनके काम को, उनके वीडियोस को, उनके गानों को भेजिए और हम ज़रूर उन लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे। ख़ास तौर से मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कैलाश की। अभी एक फिल्म भी आ रही है सलमान सोसाइटी, वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और बहुत मेहनती है, और ख़ास बात यह है कि वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर है। माने प्रोड्यूसर का चाहे का डायरेक्टर जो उसके दिए हुए बजट में या दिए हुए कंस्टेंट्स में वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, और तो उसके लिए मैं ख़ास तौर से उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि ये पिकल के लिए मिला हुआ एक कोहिनूर है और हम आगे भी काम करेंगे। जल्द ही आपको कुछ नई अनाउंसमेंट मिलेगी। हम लोग तीन फिल्में हमारी फ्लोर पे जा रही हैं मराठी, तो जल्द ही आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी और कुछ बड़ा होगा। मैंने पिकल म्यूज़िक के बैनर में आपको अभी फिल्म का प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। कैसा है सर कि मैं ऐसा मानता हूँ कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। संगीत अपने आप में ही यूनिवर्सल एक फीलिंग है और जो आपके सोल को टच करे वो सही संगीत है। तो संगीत का जब मैंने इसका स्क्रैच सुना तभी मैंने सदानंद जी से कहा था कि ये लड़की एक तो सीखी हुई है और वाकई वो विशारद है, और ये लड़की को अगर आप पॉलिश करें तो इससे अच्छा काम किया जा सकता है। दूसरी बात कैसा है कि अगर कोई कैरियर के शुरुआत में मराठी से आता है तो वो ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि हिंदी में आपको मालूम है कि बहुत एक तो बड़ा आपका कैनवास हो जाता है, तो उसके प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर चैनल का भी ये प्रॉब्लम है, जो म्यूज़िक चैनल है वो हिंदी के गानों को प्रमोट नहीं करते, माने वो वहाँ पे रोटेशन नहीं मिलता, जबकि मराठी में आप देखेंगे कि अगर गाना अच्छा है तो आर्टिस्ट नया हो तो उसको प्रमोशन मिलता है। तो हमने यही सोचा कि श्रुति को अगर लॉन्च करना है तो शायद लैंग्वेज का थोड़ा तकलीफ हो सकती है, पर अगर उसको लॉन्च सही ढंग से किया जाए तो मराठी ही वो भाषा है जिसमें आप उसको सही तरह से लॉन्च कर पाएंगे, ताकि वो फिर आगे, अभी हमारे माने प्लान में है कि वो आगे हिंदी एल्बम भी करेगी, तो अभी इसका उसको फ़ायदा होगा ऐसा मुझे लगता है। कैलाश, आप क्या कहना चाहोगे इस म्यूजिक को, पूरे म्यूजिक पूरी जर्नी को लेकर, कैसे शुरू हुई और आप खुश हैं या अभी भी धड़कने? नहीं, ये तो मेरा अभी 16 या 17वां गाना है, ऐसा कुछ नहीं, रेगुलर गाने चलते रहते, हर महीने में 2 गाने आते रहते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और म्यूज़िक की जर्नी, जैसे सर ने जो ऑडियो और सिंगर दिया उनको अच्छे से प्रेजेंट करना, वही काम है मेरा, और मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया उनको। ये आपको कॉन्फिडेंस है? हाँ। कहीं कहीं चेहरा बंद हुआ है श्रुति का? नहीं, वो कुछ होता है मेकअप और कुछ होता है शूटिंग पे,
कभी जल्दबाजी भी हो जाती है। जल्दबाजी थी प्रोड्यूसर की तरफ से। नहीं ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे चार चार काम जब निकलते हैं, हम लोग कभी हम लोग टोटल चार गाना शूट किया तो कुछ पैच रह गया था पहले गाने का, तो उसकी वजह से वो पैच दूसरे शूटिंग में निकाला, इसकी वजह से थोड़ा सा है, मतलब मानते हो आप, ज़्यादा नहीं। लोकेशन की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे लोकेशन का? सर कैसा है कि आउटडोर लोकेशन में आपको मालूम है कि बहुत प्रॉब्लम होता है, माने वेदर से लेके अगर वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी भी लाना हो या परमिशंस चाहिए हो तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। ड्रोन्स के लिए भी आपको बहुत परमिशंस लेने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ये तय था कि ये गाना हम आउटडोर करेंगे ताकि वो एक फील आए, तो उस हिसाब से हमने ये आउटडोर शूट किया था। और बहुत ही अच्छा कोकण है, कोटे के लिए पनवेल अलीबाग के सी शोर पे ये शूट किया गया है। और आपने देखा ही है कि जो लाइटिंग इफेक्ट है या जो डेलाइट सनलाइट का जो कैमरे वर्क में बहुत खूबसूरत दिखता है, तो वो आउटडोर का वही मज़ा है कि देखते समय आपको आप एक बार देखेंगे दो बार देखेंगे तो भी एंजॉय करेंगे, यानी विजुअल्स गाने के साथ इतने परफेक्ट मैच हुए हैं। तो बाकी छोटा मोटा जब क्लोजअप है तो कैमरा है तो लोग ताजमहल में भी नुक्स निकालते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो जो है वो आउट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, कितनी खुशी हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ शेयर करेंगे दर्शकों से अपने एक्सपीरियंस? खुशी तो बहुत हो रही है और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है कि ऑडियंस को गाना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन आई थिंक अच्छा ही लगेगा ज़रूर क्योंकि उतना अच्छा बना है। कुछ खास किस्सा अगर शेयर करना चाहोगे तो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ अच्छा ही था। शूटिंग एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, पूरी टीम बहुत अच्छी थी, को एक्टर भी बहुत अच्छी थी, सब ने अच्छे से काम किया हुआ है। लेट्स सी ऑडियंस का रिएक्शन कैसे आता है एंड थैंक यू। सीमा आपका मुझे भी बहुत देखा है, मैंने गाना देखा है, पहले देख लिया, यस पहले ही देख लिया था, तो मुझे पता है कि आउटपुट बहुत अच्छा आया है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हर आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि आपका म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है, आप लोगों के सामने दिखने वाले हो, मतलब हर आर्टिस्ट इसी चीज़ के लिए मेहनत करता है, तो आई एम वेरी हैप्पी। केमिस्ट्री मतलब हम लोग जैसे सेट पे मिले ना, हम 5 मिनट में दोस्त बन गए थे, तो केमिस्ट्री हमारी 5 मिनट में ही हो गई थी, करते करते हमारी केमिस्ट्री हो गई थी, गाना सुनते सुनते वो सब बढ़िया हो गया। तो हम लोग बातें कर रहे थे, हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स निकले इंस्टाग्राम पे, फिर हमने एक दूसरे को फॉलो किया, बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स निकले, तो केमिस्ट्री हो गई थी 5-10 मिनट में। मेरे लिए मेरा मज़ेदार किस्सा जो है, मैं मतलब जैसे मेरे कैलाश सर से बात हुई थी जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो हमारी कुछ दिनों पहले बात हुई थी और मैं एक उन्होंने मुझे गाना सुनाया था कि ये गाना हम शूट करने वाले हैं। कुछ टाइम बाद जैसे उनका फ़ोन आया कि हम लोग शूट कर रहे हैं और मैं सेट पर पहुँच गई। पहले टाइम जब हमारी बात हुई थी तो उसको काफ़ी टाइम हो गया था, तो जैसे सेट पे गई थी तो मेरे दिमाग में वो गाना था जो उन्होंने मुझे सुनाया था कि हम ये गाना शूट कर रहे हैं। तो सेट पे जाने के बाद जब मैंने कॉस्ट्यूम पहना और जैसे वो सीक्वेंस मुझे बता रहे थे, तो मुझे लगा कि जो गाना मैंने सुना है उस तरह के से सीक्वेंस नहीं लग रहा है मुझे, तो देन मुझे वहाँ पे पता चला कि मैं दूसरा गाना कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। तो उनको लगा कि क्या हुआ आपको, मतलब उन्होंने सॉरी भी बोला मुझे, कह रही नहीं वो गाना चेंज हो गया है, ऑलरेडी हमने वो शूट किया है, तो मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था। बट मैं आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं हैप्पी हूँ क्योंकि ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्रशांत कुछ शेयर करना चाहेंगे सीमा के बारे में? सेट पर भी लेट आती थी कि आज ही नहीं नहीं, 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 नहीं आज वो शूट पर थी इसलिए उसे लेट हुआ, लेकिन सेट पर सब लोग टाइम पे आए थे। और वही जब हम लोग बातें कर रहे थे, उसने कहा कि मुझे गाना पता है, मैंने कहा कि हाँ पता है, तो सुना चलो मतलब नाश्ता करते करते गाना भी सुन लेंगे। तो जब मैंने गाना लगाया तो शी वॉज वेरी शॉक्ड, ये कौन सा गाना है? मैंने कहा ये तो करना है, मुझे तो पता ही नहीं ये गाना करना है। तो तब जाके उसे पता चला कि ये गाना अलग है और उसे जो बताया गया था वो अलग है। बाकी ये अभी मेरी जून में एक फिल्म रिलीज हो रही है, आनी बाणी नाम है फिल्म का, आनी बाणी जो 1968 समथिंग, उस टाइम जो आनी बाणी
हुई थी उसके ऊपर मेरी एक फिल्म आ रही है जून में, काफ़ी अच्छी कास्टिंग है फिल्म में, उपेंद्र लीमय, वीणा जामकर, सयाजी शिंदे, प्रवीण तरडे, उसमें वन ऑफ द मेन कैरेक्टर मैं कर रही हूँ। तो उस कहानी में मेरा ऐसा किरदार है जिसके आजू बाजू पूरी कहानी है, तो वो अभी मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। नहीं, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट आई मस्ट से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर वर्किंग सो वेल। थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू। जो YouTube चैनल है, आप लोग मतलब मुझे प्रेक्षकों को कहना है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि पिकल म्यूजिक हमेशा बहुत अच्छे अच्छे गाने अभी लेके आ रहा है। मतलब उनके जितना मैंने देखा है, हर तरह के गाने उनके YouTube प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे, मतलब पार्टी सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, डांस सॉन्ग है, हाँ, तो हर तरह के गाने आपको सुनने को मिलेंगे। तो आपको मुझे सबको कहना है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स भी करो। That's it. Thank you very much. Thank you. क्या री गाना आउट हो चुका है और क्या कुछ व्यूज होगा आपका इस गाने के बारे में? मेरे को उसके मीनिंग्स मैंने बहुत अच्छे से लाइक सुने एंड अभी मुझे समझ में आ गया इसका मीनिंग भी एंड इसका हुक लाइन काफ़ी अच्छा है, सो आई होप कि काफ़ी लाइक्स मिले इसको एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। इसलिए ओपिनियन होगा एंड मेरा ओपिनियन पूछ रहे हो कि लाइक मेरा कैसे कमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहिए? सब लोग गुड लक ही बोल रहे हैं एंड ये मेरा फर्स्ट है, सो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है एंड न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए एंड काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सो बहुत अच्छा लग रहा है कि आवाज़ काफ़ी अच्छी आई है, तो काफ़ी लोगों को पसंद आया मेरा सॉन्ग। गाना जब आप देख रहे थे आपके पापा के आंखों में आंसू आ गया था और आपके पसीने आ गए थे, क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली मेरे डैड ने काफ़ी बहुत फोर्स किया था मुझे क्लासिकल सीखने और सिंगिंग के लिए, सो जब भी मैं गाती हूँ तो मेरे डैड हमेशा इमोशनल होते हैं, तो वो होना ही है आज भी, सो हो गया, सो थोड़ी नर्वस हूँ मैं, सो इसलिए पसीने छूट रहे हैं। कितना सपोर्ट रहता है पेरेंट्स का सब चीज़ों के लिए, बिकॉज़ क्या है लड़कियों को लोग ध्यान नहीं देते, आपके फैमिली का क्या सपोर्ट? नहीं, मेरे फैमिली ने इनफैक्ट मुझे ज़्यादा पुश किया। मैं एक्चुअली सिंगिंग मतलब क्लासिकल कभी सीखा नहीं था, बट मेरे डैड और मॉम ने ज़्यादा पुश किया मुझे कि इससे सीखकर ही ऊपर जाना है, बिकॉज मेरे डैड पर्सनली काफ़ी क्लासिकल सिंगिंग को फॉलो करते हैं, सो इसलिए। और कितना डिफिकल्ट रहा श्रुति आपको इस मराठी लैंग्वेज जो आपको आती नहीं है, आपकी मातृभाषा नहीं है? बहुत ज़्यादा जी, क्या कितनी चैलेंजेस आई आपको, कितना बहुत टेक लेना पड़ा है, बहुत टाइम तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रुकना पड़ा है क्योंकि वर्डिंग्स क्लियर नहीं थे, तो मुझे बार बार रीशूट करना पड़ रहा है, रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है बिकॉज वर्डिंग्स प्रॉपर नहीं है, सो बहुत रिहर्सल किया है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जाके लाइक प्रॉपर हुआ है फाइनली सॉन्ग में। तो इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि आपकी ये डेब्यू सॉन्ग है और मराठी से ही? हाँ, मराठी से ही क्यों किया, इसका कोई खास वजह? एक्चुअली सदानंद सर एंड समीर सर ने मुझे कहा कि लाइक अगर हिंदी तो सभी गाते हैं, तो अगर आप नॉन महाराष्ट्रन हो तो एक बार आप ट्राई करो, सो अगर आप क्योंकि आपका वोकल काफ़ी सॉफ्ट है तो यही मेन चैलेंज है, तो बाकी लैंग्वेजेस पे आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, सो इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट किया। और इसके अलावा फ्यूचर प्लान क्या है और क्या कुछ मराठी से ही होगा या हिंदी से होगा, क्या कुछ होगा? फ्यूचर प्लान जैसे जो मिलेगा उसमें आई एम कंफर्टेबल एंड आगे मैं लाइक और करूँगी सॉन्ग जो भी है, खुद लिखूँगी भी एंड खुद से करूँगी, जो भी होगा खुद का होगा चैनल। ओके, कुछ अपील करना चाहेंगे आपके व्यूअर्स से, दिल से व्यूअर्स से, कुछ ये लोग गाना देखें, क्यों देखें, क्यों पार्ट लेना चाहेंगे, क्या खास क्योंकि इसका हुक लाइन काफ़ी स्वीट है एंड मैं चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग है, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग देखें एंड काफ़ी लोग
देखे और शायद खुद का स्टार्ट करे, दैट्स ऑल आई वांट टू से। तो क्या दो लाइन गुनगुना सकते हैं दर्शकों के लिए? जो हमारे उभरते हुए जो कलाकार है भारत के अंदर, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरह साबित हो रही है। जैसे आज कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई स्टार पुत्र हो या कोई इंडस्ट्री बॉलीवुड से हो, आपके पास अगर कोई टैलेंट हो तो पिकल म्यूज़िक जैसे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। आज आपके पास अगर हुनर हो तो आप इन चैनलों द्वारा, इन प्लेटफॉर्म द्वारा मासेस में पहुंच सकते हो। तो एक बहुत अच्छा एक प्रयोग है, तो एक वो काफ़ी सफलतापूर्वक हो भी रहा है आजकल। ओके सर, बिना हिले कुछ बोल सकते हैं? तो इसको हम चाहते हैं कि आगे और बढ़ावा दे और इसको कंटिन्यूस रखे। चूँकि हम निवेशक हैं तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म को हमेशा चाहते हैं कि प्रोत्साहन दें, और हम काफ़ी उत्सुक है आगे आने वाले वक्त में भी इन जैसे टैलेंट को बढ़ावा दें और उनको सपोर्ट दें। नहीं, जितना जो पिकल, ये सबसे बड़ा, मेरा एक भाई है, मेरा ब्रदर है, कज़न ब्रदर है, मैं जो कुछ इसका पीछे था ये उसको डायरेक्ट ये करता था, अपडेट करता था। मेरे नहीं, मैं इनको आगे किया, मैं पीछे था। तो मैं बोला तुम, क्योंकि मेरा बात तो थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल लगता, हम बोला तुम थोड़ा उसको समझा के बताओ, तो उसने थोड़ा अपने ज़्यादा किया पूरा। मैं सिर्फ फाइनेंस, बाकी पूरा ये राय साहब मूलतः कतार के एक उद्योगपति है, सो उनके सुपुत्री है श्रुति राय। उनको काफ़ी पहले से इस बात की अंदेशा था कि उनके बेटी एक अच्छी सिंगर है, बट जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छे सिंगर होना काफ़ी नहीं है, आपकी सिंगर को परखेगा कौन, जौहरी कौन है यहाँ पे। तो पिकल म्यूज़िक एक जौहरी बन के आया है और उनके सपनों को साकार कर दिया है आज। तो हम चाहते हैं कि इस रास्ते में और भी जो टैलेंट्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले पिकल जैसे म्यूज़िक, और आगे बढ़ते चले। नहीं सर, मैं पहले एक्चुअली मैं पहले एक शो लाइन में था, बोलते मेरे को उतना हिंदी नहीं आता था, फिर भी मैं गाने का बहुत शौकिंग था, ये मेरा एक फर्स्ट ये था। मैं गाने का तो मैं एकदम पागल हो जाता, मैं फिल्म उतना नहीं देखता लेकिन गाने का बहुत शौक था। तो वो क्वालिटी मेरा बेटी में देखा, तो मेरा तो क्यों तुम ट्राई, तो उसको एक साल डेढ़ साल मैं घर में उस्ताद को बुला के मैं टीच करता था। मैंने एक दिन तुम बढ़ेगा, बाकी किस्मत के ऊपर। तो बाद में इसको मैं उसको तरह बोला मेरे भाई को, मतलब तुम थोड़ा इसे ये करो उसको, इसका फुल सपोर्ट मेरे भाई का इसका था, मेरा कुछ ज़्यादा नहीं था। ये मिस्टर सदानंद शेट्टी माई ब्रदर। थैंक यू, बहुत बड़ी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं पिकल म्यूज़िक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस गाने को कंपोज करने की अपॉर्चुनिटी दी। तो अपॉर्चुनिटी दी और फिर बहुत ही मज़ा आया ये गाना करते हुए। फिर पहले तो श्रुति ने इतना अच्छा गाया है, लाइक नॉन महाराष्ट्रियन सिंगर है फिर भी उसने मराठी गाना बहुत अच्छी तरह से निभाया है। फिर इस गाने का म्यूज़िक करते हुए मैं ऐसे कहूँगा कि हम लोगों ने इस गाने में बहुत बड़े बड़े अच्छे इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस ने इसमें बजाया है, लाइक फ्लूट से लेके पूरा लाइव इंस्ट्रूमेंट से लाइव बजाया है, बहुत कम प्रोग्रामिंग है। मैक्सवेल ने बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग किया है, इस पर अरेंजमेंट की है, बट बड़ी इसकी खासियत यह है कि इसमें हम लोग ने बहुत सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, और सदानंद सर ने और स्पीकर म्यूज़िक ने हमको पूरा फुल लिबर्टी दी थी कि आप कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी तरह से आप इसमें जो आपको लगता है वो यूज़ करो, फ्रीडम दिया था गाना अच्छा होने के लिए। तो हम लोग ने पूरी हमारे मतलब गिव अवर बेस्ट, हम लोग ने हमारी पूरी मेहनत इसमें डाली है कि गाना बहुत अच्छा साउंड करे। तो ओवरऑल अभी सब लोगों ने गाना देखा है और लाइक लगता है कि सबको पसंद आया है। हाँ,
मुझे पहले तो थैंक यू बोलना है पिकल म्यूजिक को, सदानंद सर को, समीर दीक्षित सर को एंड अमय सर को, क्योंकि जब ये मेरे पास पहली बार जब ये गाना आया था मेरे पास फॉर द प्रोडक्शन, तो अमय सर ने मुझे जब भी भेजा था तो श्रुति का जब भी मैंने आवाज़ सुना तो तभी पता चल गया था कि गाना सोलफुल होना चाहिए, गाना हैज़ टू बी मेलेडियस। तो उसमें क्या करें, तो फ्लूट एक मेलेडियस इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग्स जो यूज़ करते हैं ऑर्केस्ट्रल वो एक मेलेडियस इंस्ट्रूमेंट है। तो यही माइंड में था कि प्रोडक्शन के वक्त इन सब चीज़ों को माइंड में रख के प्रोड्यूस करना है। सो हम लोग ने मैंने जैसे सर ने बताया कि प्रोग्रामिंग बहुत कम है और लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा हम लोग ने फोकस किया है। तो राजू कुलकर्णी जी वरद, उनके बेटे, उन्होंने इसमें बजाए, बड़े बड़े म्यूजिशियंस ने, अक्षय मासने का जो फ्लूटिस्ट है उन्होंने बजाया, इवन कोरस मैं नाम लेना चाहूँगा साइली नाइक, कैरस डिमोंटी एंड जीत पाटिल, इसमें मैंने भी कोरस में साथ दिया है। तो हम लोग चार लोगों ने कोरस भी किया है, इवन परीक्षित कुलकर्णी जिनने इसका मिक्स मास्टर किया है। तो ये सब मिल के जो बाहर जो प्रोडक्ट आया है वो बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है। एंड आई विश पिकल म्यूजिक द बेस्ट विशेज, एंड आपको भी ये गाना पसंद आएगा। बस आखिर में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितना ऑडियो अच्छा बना है उतना ही वीडियो टीम का ही उतना बहुत बड़ा एफर्ट है। कैलाश जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, वीडियो हैज टर्नड आउट वेरी वेल, बहुत अच्छा दिख रहा है वीडियो, कलर्स, कलर करेक्शन, ओवरऑल श्रुति को भी फीचर किया है वीडियो में, एक्टर्स सीमा प्रशांत ने, मतलब ओवरऑल द प्रोडक्ट हैज टर्नड आउट वेरी वेल, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है गाना वीडियो। सो मैं यही सबको अपील करूंगा कि पिकल म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम गाने को शेयर करें सब जगह पे। थैंक यू।